भी प्रैक्टिस करनी है। जब ना मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊँ तो पापा बता रहे थे कि मेरा ना हाथ बहुत ज़्यादा फिट हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पहले मेरा व्लॉग दूसरी तरह होता था और आज का व्लॉग सबसे पहले आपने एक शॉर्ट देखा उसके बाद ये वाला देख रहे हैं तो बहुत ही डिफरेंट है। एक बहुत जरूरी बात मैंने आपसे करनी है। बात ये बतानी थी मैंने कि मेरे एक्सक्यूज नहीं था कि मैं लोगों से कहूँ कि यार मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि मेरे पास ये वाला मसला है। सर मसला कुछ नहीं होता, आपने जब व्लॉग शुरू करना है तो आपके पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। मैं अपने चाचे के घर जा रहा हूँ, अपनी आंटी के घर जा रहा हूँ तो मैं वहाँ पे हूँ, मैं बहुत बिजी। अगर आपने व्लॉग बनाना है तो सर आपने एक्सक्यूज नहीं देना। यहाँ पे मैंने बातें आपसे काफी सारी शेयर करनी है तो घर में बैठ के तो मैं उस तरह आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि फैमिली वाले सारे सुन रहे होते हैं तो उस तरह बात नहीं होती। तो चलिए आप बाहर चलते हैं फिर जाके बातें करते हैं आपसे। घर वालों के सामने बातें तो कर सकता, थोड़ा सा क्रिंज लगता है। 60K सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो जब लाख हो जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। ये चीज़ तो मैं हूँ ना। बात मैं ये कर रहा था कि एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। जब आपने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली फिर रुकना नहीं है। पहले सोच लें कि अगर आपने रुकना है तो फिर आपने स्टार्ट ही नहीं करनी। ठीक है, अब हम पार्क में आए हैं, यहाँ पे वॉक कर रहे हैं थोड़ी सी और वॉक करने के बाद हम लोग आपसे कुछ और बातें करते हैं। तो इससे पहले ही हमारी टाइम लैप्स है। करने का मकसद ये था, ये आपको क्लिप दिखाने का कि आपने लाइफ में एंजॉय करना है। जो भी काम होगा उसको आपने एंजॉय करके करना है। जिस चीज़ में आपका काम करने को दिल कर रहा है वो कीजिए। आप ऑडियंस को देख के ना करिए कि मेरी ऑडियंस ये चाहती है तो मैं ये करूं। आप जो चाहते हैं आप वो करें और उस तरह की ऑडियंस को एंगेज करें। ठीक है, अगर आप लगे रहेंगे ऑडियंस को एंगेज करने तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप ऑडियंस के हिसाब से चलेंगे तो आप तब तक चलेंगे जब तक ऑडियंस खुश होती रहेगी, आप करते रहेंगे। तो ऑडियंस अगर चली गई तो आपको व्यूज़ नहीं आएंगे तो आप छोड़ देंगे। तो अगर आपका कोई शौक है तो आप वो कर रहे हैं तो ऑडियंस चली भी जाएगी तो तब भी आप बनाते रहेंगे वो चीज़। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये था मेरा स्टैंड, इस पे मैंने रख के अपना व्लॉग शूट किया। ठीक है, कौन सबसे अच्छा क्रिकेटर है, सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन है? इधर तो किसी को नहीं पता कौन अच्छा खेलता है। फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? हमारा बैटिंग में से बोलूं। बैटिंग में मेरा रिजवान। और आपका? मैंने अभी प्लेयरों के नाम भी लिया पे। आपका कौन सा? शताब खान। और आपका? नहीं, मेरा कोई भी। कोई भी नहीं है। बाबर आजम किसी का नहीं है? हाँ, ये भाई को अच्छा लगता है। ये कोई नाम नहीं ले रहे थे तो बाबर आजम मेरा भी फेवरेट प्लेयर है, इन भाई का भी फेवरेट है। इनका रिजवान है, शदाब रिजवान। ये इस भाई का रिजवान, इसका शदाब, और इसको पता ही नहीं है। हाथ दो हाथ। ये चीज बॉलिंग में से शाहीन है। शाहीन, आप बॉलिंग करते हो बैटिंग? मैं बैटिंग। और आप? मैं बॉलिंग। बैटिंग।
बैटिंग सारे बैट्समैन हम सारे बैटिंग तो बॉलिंग कोई नहीं करता ये अच्छी बॉल खिलवाता अगर बॉलिंग करनी हो तो आप लोग मुझे बुला दिया करें मैं आपको बॉलिंग करूंगा आप लोगों ने अच्छा खेल के टीम में जाना पाकिस्तान की यह ख्वाब है ये चीज आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे अच्छी क्रिकेट के अलावा मेहनत के साथ ही थैंक यू दोस्तों प्लान कुछ और था स्टार्टिंग में जो व्लॉग बनाना चाह रहा था वही बना उसके बाद बच्चे मिल गए छोटे छोटे तो इनके साथ फिर अच्छी गपशप भी खेलना शुरू कर दिया और बहुत ज़बरदस्त व्लॉग बना और कल आपको इंतज़ार कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को वो रियलाइज़ करवाऊँगा कि आपने यूट्यूब पर क्यों आना है और कैसे आना है कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो इसके लिए आप नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा थैंक यू और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह हाफिज़